Sir, I do not get along well with my family members and my family life is getting disturbed because of this. However, I get along well with my friends and others who are not part of my family. That is why I prefer spending time outside the house than in the house. Please advise. अब ये तो इस उम्र की सामान्य प्रक्रिया है, घर का वातावरण बांधता है और इस उम्र का बच्चा थोड़ा खुलकर जीना चाहता है। सो कोई इसमें बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है, कुछ अस्वाभाविक नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन बैलेंस होना ज़रूरी है। आप मित्रों के साथ घूमें, मज़ा लें, आनंद लें, अच्छी ही बात है। घर वाले इससे कुछ परेशान होंगे, ये भी स्वाभाविक बात है। वे अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप समझाएं कि भाई मज़ा वहाँ आता है, सीखने को वहाँ मिलता है। हाँ, लेकिन परिवार के प्रति अपने कर्तव्य भी निभाएं, है ना, अपना व्यवहार भी वहाँ ठीक रखें तो बाकी सब ठीक है। और एक दिन धीरे धीरे दोनों जगह बैलेंस हो जाएगा, दोनों जगह मज़ा आने लग जाएगा और सब कुछ ठीक आप चलाते रहे तो जीवन भर दोनों जगहों का आनंद लेंगे। सो बड़ी सामान्य बात है, कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस कर लेना यदि इनबैलेंस एक्ट है तो, बाकी सब नॉर्मल है। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर, कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ, ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, कॉन्सेंट्रेशन, कंफ्यूजन, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय एंड सक्सेस, माइंड एंड ब्रेन, डे स्लीप, नेचुरल इंटेलिजेंस, चेंज योर फ्यूचर, ईगो, नॉन वायलेंस, फ्रीडम तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओत्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम DVDs और CDs सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम DVDs और CDs आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।